व्हाट्सअप गाइज, गेमर प्रीतम हियर। एंड गाइज यार, आज मैं वापस से लेके आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट के टॉप मिथ्स। एंड गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं उनको यार मेरी तरफ से लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमेंटिंग ऑन माय वीडियोस। बेड के नीचे माइनक्राफ्ट लगाओ फिर राइड करो, ऐसा लगेगा कि आपने कंबल लगा कर सो गए हो। गाइज यार, मिथ तो काफ़ी तगड़ी है। आज तक यार माइनक्राफ्ट में कंबल लगा के तो नहीं सोया मैं बिल्कुल भी, और मेरे पास स्टोन ब्रिक्स, रेल वगैरह, बेड और माइनक्राफ्ट वगैरह सब कुछ है। तो चलो यार इस वाली मिथ को जल्दी से ट्राई करते हैं। पहले तो यार रेल लगा देते हैं यहाँ पे ताकि माइनक्राफ्ट भाई साहब टेढ़ा क्यों लग गया यार ज़्यादा प्रो प्लेयर हो गया ये तो, हटाओ इसको भाई। टेढ़ा मतलब इतनी कोई दिक्कत नहीं दे रहा, पर अच्छा नहीं लग रहा ना यार। गाइज अच्छा लगना चाहिए, अटमैन चीज़ मस्त लगना चाहिए, दिखना मस्त चाहिए। तो अभी यहाँ पे माइनक्राफ्ट लगा देते हैं अपन, और इसके ऊपर बैड तो कहाँ से लगेगा यार। देखो गाइज मैं एंटर हो रहा हूँ पर बैड नहीं लग रहा इसके अंदर, तो अपन को दिमाग की बत्ती, गाइज दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए ना। अब दो रेल तोड़नी पड़ेगी अपन को यहाँ पे, और उसके बाद लगानी है यहाँ पे स्टोन ब्रिक्स, और स्टोन ब्रिक्स के ऊपर लगाना है अपन को बैड, क्योंकि उन्होंने बोला था माइनक्राफ्ट के ऊपर बैड लगाना, तो ऐसे तो लग नहीं सकता, तो अपन कैसे तो करके लगाएंगे अपन। तो यहाँ पे अब रेल लगा देते हैं, और रेल लगाने के बाद हो जाएगा सब कुछ, दूध का दूध और पानी का पानी। अब यहाँ पे माइनक्राफ्ट लगाते हैं, अभी एंटर हो जाते हैं भाई साहब माइनक्राफ्ट के अंदर, फिर देखते हैं भाई। एक सेकंड, ये क्या हो गया भाई? ओ कंबल इधर है, वो गलत व्यू में देख लिए थे अपन, बैड इज ऑब्स्ट्रक्टेड। ओ भाई साहब 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 यार आप तो जादूगर हो यार, मतलब कंबल लगा के सुला दिया आज आपने हमको। तो गाइस हैंस द मिथ इज कन्फर्म्ड, अगर आप मैग्मा ब्लॉक पर क्राउच करोगे तो आपको डैमेज नहीं मिलेगा। तो ओके गाइस, इस वाली मिथ को ट्राई करने के लिए मैंने मैग्मा ब्लॉक ले लिया, और मैं अभी सर्वाइवल मोड में हूँ जैसा कि आप देख सकते हो। तो चलो यार इसके ऊपर चढ़ते हैं जल्दी से और चेक करते हैं क्या सीन होने वाला है अपने साथ। गाइस आपने देखा भाई साहब दिल तोड़ा इसने अपना गाइस दिल टूट गया अपना। गाइस ये तो नॉर्मली सबके साथ होता है, पर अभी अपन दौड़ाएंगे मिंटोस लाइफ, और फिर देखते हैं क्राउच होने के बाद अपने को डैमेज। भाई साहब देखा आपने भाई, खड़े होने के बाद तो आता है डैमेज, और एक बार क्राउच हो जाते हैं फिर चल के देखते हैं भाई डैमेज आता है कि नहीं आता। तो नाउ लेट्स गो। ओ भाई साहब, गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं अपन को थोड़ा भी डैमेज नहीं आ रहा, अपना आधा दिल भी नहीं टूटा। बहुत सारे पप्पी भाई के पास मैं बता रहा हूँ बहुत सारे दिल है, पर जैसे अपने खड़े हो जाते हैं भाई सारे टूटते हैं, एक एक करके सारे टूटते हैं। पर जैसे अपने क्राउच हो जाएंगे, क्योंकि अपन के पास है मिंटोस लाइफ, तो अपन को कुछ भी नहीं होगा। हैंस गाइस, हैंस द मिथ इज कन्फर्म्ड कन्फर्म्ड कन्फर्म्ड। अगर आप विलेजर को जोन नाम दे ना तो वो आपको मारेगा। गाइस आप मेरे को इनडायरेक्टली पिटवाना चाह रहे हो, सही में क्यों ऐसा क्यों? गाइस अगर अब आपने कमेंट करा है तो करना ही पड़ेगा। अब तो मैंने अब विलेजर सामने स्पोन कर दिया है, और मैंने बर्फ में जान करके स्पोन करा इसको, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि विलेजर आइस में भी रहता होगा। और इसका नाम जॉन दे दिया है मैंने। गाइस ये नहीं मार रहा, अरे मेरा प्याला पपलू नहीं मार रहा, नहीं मार रहा, ये मारना। गाइस ये विलेजर काफ़ी समझदार है, ये इसको पता है ये आपके सामने तो मेरे को मार लेता, लेकिन आपके जाने के बाद इसकी क्या हालत होती। सो गाइस हैंस द मिथ इज बस्टेड, इफ यू एनचेंट ए बूट्स विद फॉरेस्ट वॉकर देन यू कैन वॉक इन वॉटर। आज ब्लू है पानी पानी पानी। तो ओके गाइस अभी अपन पानी की तलाश में यार काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं। एक चोल में कहीं नहीं आया, पिछली बार जाते उससे बस थोड़ा सा बाजू में आया, और ये देखो दूर दूर तक पानी पानी, दूर तक फुल पानी पानी। गाइस ये पानी पानी बाद में देखेंगे, पहले अपन को अपने बूट्स को एनचेंट करना है। भाई साहब फ्रोस्ट वॉकर सेकंड यूज कर रहा हूँ मैं, और ये अपने बूट भाई साहब बन के तैयार हो चुके हैं। और ये भाई क्या जा रहा है तू, जा रहा कि नहीं जा रहा? मेरा सामान है ये। गाइस पहले बूट पहना लेते हैं इसको, आई मीन सॉरी पप्पी भाई को। ओ अभी चलते हैं सीधा, मैं जंप मारने वाला हूँ या फिर एक बार इधर चले। ओ अभी पहली बर्फ जम रही है इससे, तो भाई साहब मस्त सीन हो गया। गाइस यार ये तो अब तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मज़ा नहीं लाइफ। गाइस इस बात के ऊपर तो लाइक ठोको यार, लाइक ठोकना बनता है गाइस। और ये देखो भाई साहब उड़ने की आदत तो मैं छोड़ू भाई साहब, मतलब नीचे गिरते टाइम पे भी अच्छा, पीछे की भाई टूट भी दिया बर्फ। तो मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं जंप करने वाला हूँ एकदम से, मैं देखना चाह रहा हूँ एकदम से ये वापस ठीक होती है कि नहीं होती, मतलब बर्फ जमती है कि नहीं जमती। गाइज आप जल्दी से वीडियो को लाइक करो, तब तक मैं पानी के अंदर जंप मारता हूँ, डुबकी मारता हूँ। अगर ये मारने देंगे तो भाई ये शूज़ काफ़ी मस्त वाले हैं, और एक मस्त सा कॉमेंट भी कर दो कर दो। ओ भाई साहब भाई ये तो मस्त है भाई, अब तो अंधे भागो इधर से उधर, अब मैं इधर से उधर जंप ही मारने वाला हूँ। वन टू थ्री। ओ अभी ये क्या था,
भाई बर्फ बाद में जमी है, थोड़ी देर पहले पानी के ऊपर ही खड़े थे अपने लिटरली। तो क्योंकि जैसा कि भाई ने बोला था, अपन फ्रॉस्ट वॉकर शूज पहनने के बाद पानी के ऊपर घूम सकते हैं, और अपन घूम रहे हैं, और ये पानी के नीचे भी नहीं जाने दे रहा भाई। अच्छा जाने दे रहा है। गाइस एक बात बताओ यार, लावा के ऊपर चलने का कोई शूज है क्या? है तो बताओ यार कमेंट करके, क्योंकि पानी तो क्या करता है भाई, लावा करता है भाई जो भी करता है। तो लावा के लिए भी शूज़ बनने चाहिए, मैं बोल रहा हूँ लावा के लिए शूज़ बनने चाहिए। अगर लामा पे ग्रे कारपेट रखोगे तो उस पर चश्मे लग जाएंगे भाई। ये क्या बात हुई, चश्मे कैसे लग सकते हैं भाई? चलो यार गाइस ट्राई करते हैं इस वाली मिथ को। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने लामा को फेंस के अंदर बंद कर रखा है ताकि ये भाग ना जाए ऑब्वियसली। और ये वाइट कलर का है, तो भाई एक सेकंड रुक जाओ भाई, मान ही नहीं रहे तो प्यार से उसके गाइस गलती से पड़ी है, वो मेरी गलती नहीं है ये। हाँ गाइस अब की बार तो इसके मैं लगा देता हूँ जल्दी से ग्रे कारपेट। ओ भाई साहब इसमें तो लग रहा है गाइस कि ग्रे का वो लग गया हो, चश्मा लग गया हो आई मीन। अभी उतरते हैं और देखते हैं भाई। ओ भाई कैसे यार, ये कैसे पॉसिबल है भाई साहब? सही है यार, मज़ा आ गया इसको देख के। इस वाले पे ट्राई करें क्या? चलो कर लेते हैं ये बात। बस गाइस जैसा कि मिथ में बोला गया था कि लामा के ऊपर ग्रे कारपेट लगाने से उसके ऊपर चश्मे लग जाएंगे, और चश्मे लग गए गाइस, हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। तो बस गाइस आज के इस वीडियो के लिए लास्ट वाली मिथ थी, और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये चश्मे में क्या कूल लग रहे हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।